अस्सलाम वालेकुम। आज दी वीडियो न्यू फैंसियर वास्ते मैं स्पेशली बनाने की कोशिश कर रहा वहाँ कि ताकि उन्होंने इस वीडियो तो कोई फायदा हो सके। पूरा साल जड़ा ना असी लबर नू सॉफ्ट फूड भी देने हैं, नाल मुख्तलिफ विटामिन्स ते प्रोटीन्स वगैरह ते मुख्तलिफ चीज़ा असी देंदे रहने हैं। उहदा फायदा की होंदा है कि जो ब्रीडिंग सीजन आंदा ना तो माशाल्लाह बर्ड उस टाइम रेडी होंदा है। दो शर्तां हैगियां ने ब्रीडिंग वास्ते, वो हमेशा याद रखना। पहली शर्त हैगी है कि मेल फीमेल कन्फर्म होने चाहिए ने, ठीक है जी। और डीएनए करवा लोगे तो बहुत फायदा होएगा। यह जेडे अजकल तुसी वेखदे होगे, असी भी इस काम तो बड़ा नुकसान किया। कभी पेंडोलम करके वेखते हैं कि वह घूमता पे तो फीमेल है, इस तरह इस तरह अगे पिछे हो रहा तो मेल हैगा। यह सब ड्रामेबाजी हैगी है। वो बाद एक चीज़ होंगी है मेल फीमेल के जोड़ चैक करके तो अंदाजा लाया जाता है। तो हो सकता किसी को सही लगता हो, लेकिन जो एक्सपेंसिव तो महंगा बर्ड ब्रीड करवाया जाता ना उस समय रिस्क नहीं लिता जाता। मेरे को इस साइड के उपर एक पेयर लगे है अल्बाइनो रेड है इस स्पिट, यह जोड़ा मेरे को लगे है। तुसी यकीन करो वो पिछले साल का मेरा जोड़ा है, ब्रीडर जोड़ा है। मैं जिस टाइम जोड़ चैक किए ना तो पूरे खुले जोड़ सन, लेकिन वो एंड हो कि डीएनए करवाया तो मेल निकलिया। डीएनए के बावजूद भी मन यकीन नहीं आ रहा कि मेल हैगा, इन्ने वो जोड़ खुले सन। फिर आखिरकार मैं उन्होंने अल्लाह का नाम लैके ब्रीड तो लाया, अलहमदुल्ला उन्हें ब्रीड की, तो माशाल्लाह वो अंडे भी फटायल होए तो बच्चे भी निकले। जो डीएनए करवाया सी वही चीज़ निकली। तो लिहाजा जिन्हें दो शर्तां ने लवबर्ड ब्रीडिंग से सब तो पहले, पहली शर्त है मेल फीमेल कन्फर्म होने चाहिए ने विद डीएनए, मेरा मशवरा है तुहानू। उहदे बाद जी बर्ड की एज पूरी होनी चाहिए, कम अज़ कम 8 to 10 months प्लस। 8 months का बर्ड कम अज़ कम होना चाहिए, इस तो थेले ना लगाओ। अंग्रेज़ तो यह कहता है, गोरा यह कहता है कि कम अज़ कम 18-20 months या 22 months का बर्ड ब्रीड तो लगाओ। असी की करने, असी 6 months के बर्ड नू बॉक्स दे देने, फिर असी रोज़ बॉक्स चैक करते रहने, सानू परेशानी लगी रहती कि ब्रीड आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई। जो ताड़ा जोड़ा कन्फर्म है, मेल फीमेल कन्फर्म ने, उसके बाद तुसी उसकी एज भी तुहानू कन्फर्म है कि एज 10 months है या 10 months प्लस है। फिर कुछ चीज़ा अल्लाह के सबूत कर दे दी हैं। मैंने एक कॉल आई कल, तो वह भाई ने कहा जी मेरे को बर्ड अचानक एक्सपायर हो गया रात को, बिल्कुल ठीक से सवेर देखे मैं एक्सपायर होया बर्ड पिया, वजह की हो सकती है। जो वजह मनु समझ आई है ना, अन्ने वाह विटामिन जो देने शुरू कर देने ना, हूँ तुम दियो जी ब्रीड नहीं आ रही। और को पूछा कि करिए जी, उन्हें कहा जी फलाना विटामिन दे रहे, और को पूछा उन्हें कहा जी फलानी चीज़ दे दे, अन्ने वाह विटामिन देन लग जाते हैं, अन्ने वाह सॉफ्ट फूड देन लग जाते हैं। जो समझ मतलब कि जिन्हों जो पता होता दसी जाता है, तो न्यू फैंसर की करता है वो भी मन, वो भी मन, वो भी मन, सब कुछ बर्ड के नाल करी जाता है। छोटे जे बर्ड नू इन्ने विटामिन इन्नी डोजिज दे दी जाने कि किडनी के उत्ते असर कर दें, किडनी फेलियर की वजह तो बर्ड एक्सपायर हो जाता है, जो अचानक बर्ड मर जाता है। वजह होंगी है तुम विटामिन इन्ने ज़्यादा दे देंगे हो कि बर्ड वो सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि वो एज ही मुकम्मल नहीं हुई होंगी। अगर एज मुकम्मल हो भी है फिर भी इन्ना विटामिन नहीं देना, ठीक है जी। तो न्यू फैंसियर वास्ते वीडियो मैं बनाई है कि जेडे इस टाइम जिन्हों को ब्रीड नहीं आ रही, अंडे आने शुरू नहीं होए, वो परेशान ना हो, अपने जोड़े नू पहले परफेक्ट करके लगाओ। पहले बर्ड की एज देखो, जो एज कन्फर्म हो तो वे मेल फीमेल डीएनए के नाल कन्फर्म करो, फिर जोड़ा लगाओ। जिस केज के लगा रहे हो उस कोई 15-20 days जोड़े नू कट्ठे रहन दो। जो तुम वेखो कि जोड़ा बाउंड हो गया, एक दूसरे को खारिश कर रहे हैं, एक दूसरे को फीड करवा रहे हैं, कट्ठे पोर्ट के बैठ के खा पी रहे हैं, सॉफ्ट फूड खा रहे हैं, इको प्लेट के बैठ के, फिर उन्होंने बॉक्स लगाओ, ठीक है। ऐसा ना करो कि एज का भी तुम कन्फर्म नहीं गा, फीमेल की एज ही 15 months है तो मेल 7 months का ठोकता है, एज डिफरेंस आ गया। तकरीबन मिलती जुलती एज कोई 2 months का फर्क हो तो कोई इशू नहीं होता। समटाइम वड्डी एज की फीमेल भी बाउंड हो जाती है, लेकिन तुसी जो नया पेयर बाउंड करना है, नया पेयर तुसी ब्रीड वास्ते लगाना है, तो कोशिश यह करनी है कि एज उहदी मुकम्मल होनी चाहिए है, और मेल फीमेल कन्फर्म होने चाहिए ने, ठीक है। तो विटामिन जनाब थोड़े तो थोड़े दो, अगर ब्रीड नहीं आ रही तो अल्लाह को दुआ करो, नमाज पढ़ो,
दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह को दुआ करो, क्योंकि तुसी ते काम मुकम्मल कर दिता, तुहाडा मेल फीमेल भी कन्फर्म है, उम्र भी पूरी है, फिर भी ब्रीड नहीं आ रही, तो कुछ चीज़ा अल्लाह के उत्ते भी छड़ी दी होंदियां ने, कुछ चीज़ा अल्लाह की मर्जी ना होंदियां ने। असी इंसान होने के नाते पेयर अपने अकल के मुताबिक अपने इलम के मुताबिक असी जोड़ा ला दें, फिर भी ब्रीड नहीं आ रही, फिर अल्लाह ताला को नमाज पढ़ के दुआ करो। ठीक है जी, तो कुछ गुजारिशात सन न्यू फैंसियर रस्ते कि अगर ब्रीड अजे अंडे तुहाडे को नहीं आ रहे तो तुसी अपने जोड़े की एज ते मेल फीमेल कन्फर्म करो, उन्हां दी रिक्वायरमेंट जिहड़ी है पूरी करो, तो इंशाल्लाह ताला तुहाडे को ब्रीड आ जाएगी, परेशान नहीं होना। एक जोड़े की उम्र तुहानू पता भी इस जोड़े की उम्र 10 महीने हो चुकी है, मेल फीमेल भी कन्फर्म है, फिर तुसी थोड़ा सबर रखना। एडा आसान नहीं गा कि लब्बड़ तो असी पैसे कमा लीए, यह वक्त लगता है, इंसान नूं सबर ते हौसले ते तहमल मजाजी नाल काम लेना पैंदा है। जिन्ना सबर लब्बड़ दे काम च करना पैंदा ना, ते बेसबरा बंदा ते फेल है इस फील्ड च। ठीक है, मैं एक दोस्त है कहिंदे उन्हां को गया ते उन्हां को डन फैलो दा जोड़ा लग्गा है, ते माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत पेयर, ते एज उहदी तकरीबन 30 महीने 28 महीने दे करीब, तकरीबन 2.5 साल के करीब उसकी एज। तो मैं पूछा जनाब इनको ब्रीड लीती है कि नहीं लीती, की ब्रीड आई है? तो उन्होंने कहा जनाब है थोड़ा बर्ड मचोर से हो जाए। तो मैं उन्होंने कहा जनाब 28 महीने तकरीबन 2.5 साल के करीब यदि उम्र है तो अजे मचोर नहीं होया। तो उन्होंने कहा जनाब यह है मेरा शौक। ठीक है, तो मैं इनू कम अज कम 30 महीने का जो हो जाएगा उदो ब्रीड तो लगावगा। मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि तुम भी 30 महीने का बर्ड करके ब्रीड तो लगाना, मैं तुम दस रहा कि किन्ने क सबर के नाल काम करना पैंदा है। ठीक है, असी तो 6 महीने बर्ड नू ब्रीड तो ला देने, तीसरे क्लच का बच्चा होंगे फरवरी मार्च की हैचिंग होंगी है, तो असी फटाफट उन्होंने ब्रीड तो ला देने, जैसे ही 15 अगस्त लंघी फटाफट डब्बे ठोकते, ना मौसम देखिया ना बर्ड की एज वेखी, तो फिर असी गिला शिकवा कर रहे जी लब्बड़ ब्रीड नहीं कर रहा, की वजह हो सकती है? तो बड़े सबर से तहमल ना काम करो, इंशाल्लाह ताला तुहाडे को ब्रीड आएगी। उन्हूं चुक फोन कर दे, उन्हूं चुक फोन कर दे, मैनू फोन कर कहते जी तुहानू पता है, कहते तुसी दस दिओ, तुहानू नहीं पता किसी और ब्रीडर को पुछ के दस दिओ। भाई ऐसा नहीं होंदा, तुसी तहमल मजाजी नाल काम करो, सबर नाल काम करो, तुहाडी तवज्जो उस काम वल होनी चाहीदी है, तुहाडा बर्ड की रिक्वायर्ड कर रहा है। ठीक है, तुहाडे बर्ड की तलब हो रही है, उन्हूं खाण वास्ते की पसंद हैगा, उन्हूं किहड़े केज च रहना पसंद है, धुप उन्हूं पसंद है, उन्हें जिहड़ी जिहड़ी चीज़ा पसंद है, तुसी वेखो, नोटिस करो, बर्ड की एक्टिविटी वेखो। कुछ मैं तुहानू टिप्स दित्तियां ने, कोई ब्रीडिंग फार्मूला नहीं, कोई विटामिन नहीं, किसी चीज़ के हवाले ना अज मैं तुहानू नहीं दस्या, मैं सिर्फ तुहानू कुछ गुजारिशात कीतियां ने कि जिन्हां दे उत्ते तुसी फोकस करोगे तो ब्रीड आ जाएगी। तो जनाब अज की वीडियो तो इन्ना ही, अगर तुहानू साडी वीडियो पसंद आई है तो पंजाबी लवबर्ड नू यूट्यूब दे उत्ते सबसक्राइब करो, बैल आइकन नू क्लिक कर दिओ ताकि हर आने वाली वीडियो तुहानू मिलती रहे, ते अगर वीडियो इनफॉर्मेटिव लगी है तो अपने दोस्त अहबाब ना दोस्तों ना भी शेयर कर देना, तो सानू दुआवां च याद रखना। अल्लाह ताला को दुआ है कि जी अल्लाह ताला तुहानू बड़ी सोहनी ते अच्छी ब्रीड अता फरमाए, तुहाडे रिज़क च बरकत अता फरमाए, ते खूबसूरत परिंदे तो तुसी भी रोज़गार कमा सको, ते रोज़गार सिर्फ तुसी अपने तक ना रखो बल्कि दूसरे तक भी पहुँचा सको। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।